Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is breadwinner. It was a request by Akash Malik and Akash shares your lesson. Breadwinner means a family member who earns the money. देखिए family के अंदर वो शख्स जो के पैसे कमा रहा है, earn कर रहा है और family को financially support कर रहा है, मतलब family का सारा जो खर्चा है वो उठा रहा है, क्योंकि वो अर्निंग कर रहा है तो वही सबका खर्चा जो वो उठा रहा है, वो बिल पे कर रहा है, वो ग्रॉसरी कर रहा है, वो किचन में जो भी चाहिए सामान, वो हर किस्म का जो घर का जो एक खर्चा होता है वो शख्स उठा रहा है, क्योंकि वो अर्निंग हैंड है फैमिली के अंदर, ठीक है। तो ऐसे इंसान को आप ब्रेड विनर कहते हैं, जो एक शख्स जो कि कमा रहा है और पूरे घर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। अब हमारी सोसाइटी के अंदर नॉर्मली जो है वो मर्द ब्रेड विनर्स होते हैं, कि मर्द कमा कर लाते हैं और वो पूरी फैमिली जो होती है उसका खर्चा जो वो उठाते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि खवातीन ब्रेड विनर्स बन जाती हैं, कि वो कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई मेल फैमिली मेम्बर ना हो जो कि अर्निंग करके ला के दे सकता हो, तो खवातीन भी मतलब अपनी फैमिली के ब्रेड विनर्स बन जाती हैं, कि वो अर्निंग करती हैं और वो अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रही होती हैं फाइनेंशियली, ठीक है। तो वो चाहे मर्द है या औरत है, जो भी फैमिली के अंदर कमा के ला रहा है और पूरी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, वो शख्स जो है वो ब्रेड विनर कहलाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ब्रेड विनर का मतलब समझ में आ गया। ऐसे सम एग्जांपल्स, आवर फर्स्ट एग्जांपल इज मेन आर सपोज्ड टू बी द ब्रेड विनर इन द फैमिली, कि मर्दों से ये तवक्को की जाती है कि वो फैमिली के अंदर जो है वो ब्रेड विनर बने, कि वो अर्न करके लाएं और फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, ठीक है। अ सेकेंड एग्जाम्पल इज आफ्टर हर फादर्स डेथ शी बिकेम द ब्रेड विनर ऑफ हर फैमिली, कि अपने फादर की डेथ के बाद वो अपनी फैमिली की, वो लड़की जो है वो अपनी फैमिली की ब्रेड विनर बन गई, मतलब कि उसने अर्निंग स्टार्ट की और उसने फाइनेंशियली सपोर्ट करना स्टार्ट किया अपनी फैमिली को, ठीक है। आ थर्ड एग्जांपल इज ही वाज द ओनली ब्रेड विनर एंड नाउ हिज फैमिली लेफ्ट पेनीलेस, कि वो अपनी फैमिली में अकेला ही ब्रेड विनर था, मतलब वो अकेला ही शख्स था जो कमा के ला रहा था, जो फैमिली को सपोर्ट कर रहा था, अब वो खुदा ना खास्ता नहीं रहा है, तो अब उसकी जो फैमिली है ना, इस फैमिली लेफ्ट पेनीलेस, कि उसकी जो फैमिली है वो अब पेनीलेस होगी, मतलब उनके पास बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं रहा है। Okay friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video and I'll see you next lesson. Allah Hafiz.